तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कास्टर्ड में हम बात करने वाले हैं फॉक्सवैगन वर्टस के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले आपको वर्टस के बारे में, गाड़ी के बारे में थोड़ा सबको बता दूं। देखो वर्टस जो है इसने रिप्लेस किया है फॉक्सवैगन वेंटो को। वेंटो की अगर मैं बात करूं तो ये पहले आती थी एक सेडान क्लास की कार है फॉक्सवैगन की तरफ से, और ये फॉक्सवैगन पोलो जो इतनी पॉपुलर हैचबैक है पोलो का बड़ा भाई था वेंटो, और वेंटो को ही रिप्लेस किया है वर्टस ने। और जो वेंटो है वो तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन जो वर्टस है गाइस ये अभी अभी नई हाल ही फिलहाल आई है, और ये भी पोलो का सिक्स जनरेशन वेरिएंट का जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है, सेडान वर्जन है। लेकिन सिक्स जनरेशन पोलो जो है वो अभी तक इंडिया में नहीं आई है, अभी देखते हैं कब वो आता है, लेकिन वो भी आएगा तो धूम मचाएगा जैसे पोलो ने पहले मचाया था। तो ये है वर्टस वॉक्सवैगन का। तो इसके बारे में बात करते हैं वर्टस में क्या क्या चीजें हैं। तो गाइस देखो वर्टस में सिर्फ आपको पेट्रोल ऑप्शन, इंजन ऑप्शन मिल जाएगा, डीजल आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो कुछ कुछ वेरिएंट्स है वो है गाइस कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, टॉप लाइन और जीटी प्लस। जीटी प्लस सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, और इसका जो प्राइस है गाइस एक शोरूम वो स्टार्ट होता है इंडिया में 11.22 लाख रुपीज से, और इसका टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस जाता है एक शोरूम 18 लाख रुपीज तक। मतलब ये प्राइस तो वेरी करेगा रीजन टू रीजन, और हाँ ऑन रोड प्राइस है डेफिनेटली बढ़ेगा। बाकी अगर मैं सेफ्टी रेटिंग की बात करूं तो लैटिन एनकैप ने इस कार को 5 स्टार रेटेड दिया है। ऑब्वियसली सेडान कार है, फॉक्सवैगन की है तो 5 स्टार रेटेड ही है वो होती है ज्यादातर केसेस में, तो ये भी 5 स्टार रेटेड कार है। अब बात करते हैं गाइस इंजन क्या लगा हुआ है इसमें। आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं पेट्रोल के कैटेगरी में। सबसे पहला जो इंजन है वो है 1000 सीसी यानी कि 1 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर TSI इंजन। TSI पहले भी आता था वही इंजन इसमें है, जिसका पावर है गाइस, पावर ये प्रोड्यूस करेगा 108 हॉर्स पावर का, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 178 न्यूटन मीटर्स का। गियर बॉक्स की बात करूं तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आपको देखने को मिलता है। जो मैनुअल इसमें मिलता है वो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगेन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है इस इंजन के लिए। इसमें जो माइलेज मिलता है गाइस जो मैनुअल में मिलता है वो है 19 किलोमीटर पर लीटर का, और जो ऑटोमेटिक में आपको मिलता है वो है 18 किलोमीटर पर लीटर का। इसके अलावा एक और इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, वो है 1.5 लीटर का यानी कि 1500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर TSI ईवो इंजन, और ये जो पावर प्रोड्यूस करेगा वो है 148 हॉर्स पावर का, और उसके साथ ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 250 न्यूटन मीटर्स का। और ये जो इंजन है ये टॉप एंड वेरिएंट में आता है, जो GT प्लस है उसमें आता है, और इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ 7 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो माइलेज है गाइस वो भी 18 किलोमीटर पर लीटर ही है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसीलिए। तो गाइस यही था जो इंजन ऑप्शंस थे आपको मिलते हैं गाड़ी में वो यही है। 1.5 लीटर जो है वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बाकी फॉक्सवैगन की गाड़ी है सेफ्टी रेटिंग में जो है इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, 6 एयरबैग्स वगैरह मिलते हैं, ABS CVT सब तो है ही, गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। वेंटो मेरे को बहुत पसंद थी, और ये गाड़ी भी वर्टस ने इसका जगह लिया है, तो इसमें कुछ कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, वेंटो से थोड़ा सा अपग्रेडेड है जो कि अच्छी लग रही है। गाड़ी ठीक ठाक सुंदर दिखती भी है, और फॉक्सवैगन की ब्रांडिंग है तो फिर बहुत ही अच्छी लगती है। गाइस आपको गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए। इसके साथ मैं मिलता हूं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।